हमारी ब्राइड जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड और ऊपर ऊपर हल्का हल्का, जैसे वो सभ्य साक्षी वाला चल रहा है ना आजकल। दीदी अपने सरोजनी शॉपिंग हॉल दिखा रही है। आई लाइक दिस बट दी सेइंग की बहुत ही बड़ा है। मैं सीरियसली बहुत ज्यादा अचंभित हो गई हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीट माय कजिन, माय सिस्टर, माय बेस्ट फ्रेंड सुप्रिया। वी आर इन दिल्ली करेंटली। अभी हम लोग कहाँ रुके हुए हैं? कहाँ रुके? वेलकम होटल ITC। हाँ, मुझे होटल का नाम याद नहीं रह रहा था। सो मेरी कजिन वंदना की शादी है। सो इनकी शादी है और हम लोग जा रहे हैं लहंगा शॉपिंग चांदनी चौक। एंड हमारे लहंगे का बजट है अंडर 10,000 रुपीज, विच इज अ गुड बजट। और चांदनी चौक के बारे में बहुत सुना है हम लोगों ने, बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है। सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड। हम लोग ने कुछ शॉप देख के रखे हुए हैं, मैप में भी उसे सेव करके रखा हुआ है। हमको यहाँ से चांदनी चौक जाने में समय लगने वाला है कुछ 1 घंटा, और अभी 3 बज रहे हैं। वी हैव नॉट डन एनीथिंग, बट लेट्स होप कल का भी दिन है हमारे पास। लेट्स गो शॉप। आर यू एक्साइटेड? यस। She wanted to sleep. कुछ भी उसका सोना तो excited। होटल रूम काफी अच्छा है, मैं रूम टूर ना कल दूंगी क्योंकि ना बहुत मैसी कर दिया। मेट्रो दिखाओ। मेट्रो दिखाओ। पूरा मेट्रो स्टिकर्स यही पे, पास ही तो है मेट्रो, बस यहाँ से 1 जंप एंड 2 जंप मेट्रो। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो। सुप्रिया इज गोना जॉइन अस। सब अपना अपना सामान ले लो। क्या बोला था मैंने? 10 मिनट में रेडी हो जाती। तो हो तो गई 10 मिनट में रेडी। दस 1:45 टाइम की तो वैल्यू नहीं है दिल्ली वालों। हम लोग चांदनी चौक पहुंच गए, एक शॉप भी देख लिया, इतनी भीड़ है 8 बजे तक बंद हो जाता है। हम लोग ने सिर्फ एक ही शॉप देखा है एंड उन्होंने कुछ शूट करने नहीं दिया फॉर द लहंगा, और जो उसने ट्राई भी किया था उसका भी नहीं दिया। दैट वाज अ बमर। इट वाज एवरेज, थोड़ा और बेटर हमें मिल सकता है। अभी हम लोग हाउस ऑफ लहंगा जा रहे हैं। यहाँ पे लहंगास काफी सुंदर थे बट हमारी बजट की काफी ज्यादा बाहर थे, और हम लोग के पास टाइम बिल्कुल कम था, तो हम लोग ने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया और हम लोग निकल पड़े कुछ और शॉप्स ढूंढने के लिए। We found a guy and he is saying कि 10-15 की रेंज में मिल जाएगा। Let's see. Come on. नमस्ते भैया, लेट्स गो। अभी हम लोग राम निवास रमेश्वर, दिस इज द शॉप एंड वी आर गोना लुक ब्राइडल लहंगा फॉर हर नाउ। 5 बज गए और अभी तक हमारे पास लहंगा नहीं है। 15 उसी प्राइस रेंज में आएगा हमारा। हाँ ठीक है, मतलब हद से हद 11 जाऊंगा। अच्छा ठीक है। ये ऑन कैमरा भी अच्छा लग रहा है भैया। हमें ना थोड़ा नीचे नीचे ज्यादा और ऊपर ऊपर हल्का हल्का, जैसे वो सभ्य साक्षी वाला चल रहा है ना आजकल, हाँ वैसा वाला दिखा। ये कितने का ये वाला? फिर भी बताइए ना इसका वाला कितना प्राइस है। ये मेरी बच्चे सिंगल दुपट्टा 8.5, डबल दुपट्टा लेंगे तो 10 का। अच्छा ऐसी टंगा कोई थी भी। ये मेरे बच्चे 2 दुपट्टा 17.5, हाँ। सिंगल दुपट्टा 15.5, 15.5 के आसपास। प्योर हैंड वर्क, प्योर हैंड है ये। अच्छा, और इसमें एक सभ्य साची का और दिखाता हूँ, रेड कलर। इसका प्राइस ये वही उसी रेंज में दिखा, 15 के आसपास, मतलब 15.5 सिंगल दुपट्टा। इसमें कलर हो जाएगा हमारा मर्जी, फैब्रिक भी इवन चेंज हो सकता। अच्छा एटा भले लागू छे कहते ना। एरा बहुत लागू छे मत। वैसे कौन सा समझ में कौन सा आया? ये वाला एक पहनाइए ना उसको, ये जो हटाऊं ऊपर से। हाँ ये वाला भी पहनवाइए, और ये वाला, ये वाला
ये वाला अभी जो लहंगा पहना है ना, दिस इज अंडर 10,000 रुपीज, इसमें दो दुपट्टा है, बट दिस इज मशीन वर्क. ओके, वो पिंक वाला जो उसने पहना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसका प्राइस. पिंक कलर उसका अच्छा लग रहा है. हाँ, पिंक कलर ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. रेड या फिर वो जो सिंदूर रेड या फिर ऑरेंज कलर तक खिल नहीं रहा उसके ऊपर. ठीक है, सर. पिंक पर्स मैंने लास्ट टाइम खाया था सुबह 11 भी नहीं, 9 बजे. अब तो मैं कुछ भी खा लूंगी, नॉल हेल्दी हेल्दी सब छोड़ो. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि 15,000 के अंदर में लेट्स सी, थोड़ा और बार्गेन करने की कोशिश करती हूँ मैं. एंड वी रियली डोंट हैव टाइम आज का समय हमारे पास, बट वी स्टिल वांट टू लाइक गेट बेस्ट पीसेस. इसमें और इसमें कंफ्यूजन है हमको अभी. दिस इज मशीन वर्क, दिस इज हैंड वर्क, एंड ये दोनों ही पिंक है. एंड बन्ना इज गोना डिसाइड नाउ. गो फॉर इट बन्ना, डिसाइड. बोलती है दोनों सेम लग रहा है. क्या आपको ये दोनों सेम लग रहा है? हमारी ब्राइड जो है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है. कंफ्यूज्ड. दिस इज व्हाट वी सिलेक्टेड फॉर हर. एकदम ब्राइड वाली फीलिंग आ रही है इसमें. गाइज, हमने लहंगा ले लिया फाइनली, एंड वी वर एबल टू डू दिस 3 घंटे के अंदर. अभी हम लोग ज्वेलरी देख रहे हैं क्योंकि बालेश्वर से शादी और वहाँ पे ना ज्वेलरी किराए के लिए नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि यहीं से ज्वेलरी ले सकते हैं. दैट कैन मैच विद द आउटफिट. दिखा मुझे. वी आर लुकिंग फॉर ब्राइडल ज्वेलरी नाउ. जाए सो आउटफिट के साथ ये वाला आई थिंक चल जाएगा. इसमें पिंक बीड्स है, बट आई थिंक पिंक और ग्रीन भी चल जाएगा, वो भी अच्छा लगेगा. ही इज सेइंग 3500 फॉर द एंटायर थिंग्स. लंबा वाला भी है इसमें, एंड कान का है, नाक का है. देयर इज ग्रीन वन, बट आई थिंक दिस विल लुक अ बिट टैकी विद द आउटफिट. एकदम ही कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, बट नॉट दिस ग्रीन. इतनी लहंगे की शॉप देखी ना मैंने, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा अचंभित हो गई हूँ. अभी हम लोग खाने पीने के लिए जा रहे हैं. Okay, one thing. If you want to cross, ये जो जा रही है ना उसी के बीच बीच में क्रॉस करो. सुप्रिया इज गोना शो अस. हाँ सुप्रिया, कम ऑन कम ऑन. 8:30 हो रहा है अभी, हम लोग वापस होटल रूम जा रहे हैं. सुप्रिया तो चली गई घर वापस. मेट्रो काफी खाली खाली हो गया है, हम लोग लेडीज सेक्शन वाले में बैठे हैं. अब खाने का व्यवस्था देखना है, क्या खाना है. 3 घंटे में लहंगा ढूंढ लिया यार, क्या बात है, क्या बात है. मुझे नहीं लगता बन्ना अकेले कर पाती है ना. बन्ना The next day. Morning everyone. This is day 2 in Delhi. और अभी हम लोग उठे हैं कुछ आधे घंटे पहले. चाय, उससे चाय और फिल्टर कॉफी मंगाई है. उसके बाद नाश्ते का भी देखेंगे. बहुत सो लिया यार, ऐसा लग रहा है 2 दिन से सोई नहीं थी और बस सोए जा रही थी. 6 बजे उठी, फिर 10 बजे उठी, फिर 11 बजे फाइनली उठ गई मैं. अभी बन्ना गई है बाथरूम नहाने के लिए और दीदी और मैं भी चाय पी रहे हैं. फिर वो भी आई, वो भी चाय पिएगी. किचन कितनी कूल है इनकी. दिस इज माय कॉफी. दीदी इसमें ऐसे खोलने पे, नाइस. दीदी अपने सरोजनी शॉपिंग हॉल दिखा रही है. स्वेटर ही स्वेटर, पूरे बैग में स्वेटर भर के रखी हुई है वो. मुझे लगता है एक सेपरेट सरोजनी हॉल कर देना चाहिए चैनल पे, स्वेटर हॉल. फिर उसमें बोलेंगे कि मैंने कुछ नहीं लिया, सब दी लेके आई है. ओके, ये मुझे नहीं पता था कि मैंने ऑलरेडी कलर खरीद लिया है. हे भगवान. पैसा ही पैसा. पप्पा पप्पा दीदी, वही तो टैक्टिक है उनका. अभी हम लोग जनपद जा रहे हैं, वहां जाके व्लॉग करूंगी. शाम का वक्त हो चुका है, काफी लेट हो चुके हैं आज निकलने में. सो आज सुप्रिया नहीं है, मैं, वंदना और दीदी जा रहे हैं. एंड दिस इज माय फिट फॉर टुडे. आई एम वेयरिंग 50% सरोजनी. कितना मीटर है अपना? 30 मिनट्स सुबह दिखा रहा था जब देखा था 11 के आसपास. अभी 5 बज के ना, तो अभी दिखा रहा है 60 मिनट. हम लोग 1 घंटे के ट्रैवल के बाद जनपद पहुंच गए. पहली शॉप हमने देखी तो हम घुस गए.
यहाँ पे बच्चों के कपड़े और ऐसे भूलमिल कपड़े भी है। मेरा पता है क्या मन है, बोहो बैग लेने का। बहुत सुना मैंने जनपद में मिलता है, और बहुत जुड़ गई। अगर दीदी आएगी और सबसे पहले बीड्स देख लेगी। भैया कितने का है ये? 50 रुपीज का एक। 50 रुपीज अच्छा है, 30 हो जाएगा। आई रिमेम्बर जब मैं उदयपुर गए थे ना, तो ये मेरे आँखों के सामने बना रहे थे। दे ऑल्सो हैव दिस पीसेस यहाँ पे। ना सेटा नहीं, वो नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा। अंदर और है, और देख अपनी बहन के लिए देख रही, खुद के लिए देख रही है। दिस इज नाइस, दिस इज यूनिक। ओके, आई फाउंड अ बोहो बैग वाला शॉप, और यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे हैं। जस्ट लुक अराउंड, वहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है। भैया ये वाले बैग्स कितने के हैं? कितना? I just bought these for 180 rupees. They were saying 250, but I think I was not able to bargain properly, guys. Another shop. जहाँ पे ऐसे बोहो वाले बैग्स मिल रहे हैं, ये 3200 बोल रहे हैं और इसका 1500 बोल रहे हैं वो। इसके अंदर का जो स्लिंग है ना, वो बहुत ही पतला है यार। I like this, but these saying ये बहुत ही बड़ा है। 2500 को ऊंची सीटा। और वो बड़ा वाला कितने का है? दिखाओ वो बड़ा वाला। नहीं वो नहीं, उसके पास। हाँ उसका बैग दिखाओ। यार लोग तो बहुत कुछ कुछ लेके जा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है इतना। कुछ ना क्या वहाँ से लेके जा। चलो यार गाइस, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी लेन खत्म हो गई। अब यहाँ पे एक है, अंदर हम लोग जा रहे हैं। मुझे एक बैग पसंद तो आया, पर दे आर सेइंग टू मच प्राइस फॉर दैट। इसलिए कर रहा हूं ना, डाल के देखो ट्राई के चार्ज नहीं है। वो कोई दो जी बोल, देखा जाओ जी, देखो टाइट लगो जी तो ठीक है। एक मिनट, ठीक तो है, हाँ टाइट है यार, मुझे भी दिख रहा है, टाइट है यार, दिख रहा है ना मुझे। ये कपड़ा देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेन दिखना चाहिए, और लेयरिंग के लिए होता है ना ये। प्राइस बताइए ना आप कितना। मैंने ये गोवा में भी देखा था, पता है 300 में दे रहे थे वो। वो भी मैं बार्गिन नहीं कर पाई यहाँ पे। इसका एक्चुअल प्राइस दे सेड 500, आई गॉट इट फॉर 300। बंदना 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 को ढूंढ लिया मैंने। क्या पसंद आया तुझे? दीदी तू मेरे पॉकेट मारने वाली थी ना। आई मेट माई सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे हाई बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गुड़गांव में रहती हैं और वो भी शॉप कर रही हैं। हम सब शॉप करें, क्या लिया आपने? मैंने तो कुछ लिया नहीं है, मेरे फ्रेंड ने लिया है। मैंने एक टॉप लिया है घूम घूम के पिछले 40 मिनट से। पर यहाँ पे कलेक्शन अच्छे हैं सरोशी के अकॉर्डिंग। यू थिंक? ओह ग्रेट, क्योंकि यार मैं तो एकदम ऐसे लग रहा है भूलभुलैया टाइप का लग रहा है। बस अब देखे जा रही हूँ भी लग रहा है यार समय निकाल के आना चाहिए, समय नहीं मेरे पास। बट नाइस टू मीट यू राइट। सेम, नाइस टू मीट यू। निहारिका से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग और शॉप्स देख रहे थे। वी वांटेड टू बाय क्रॉप जैकेट और स्वेटर फॉर बंदना। जैसे ये वाली शॉप में हमें ये पिंक वाला काफी पसंद आया था, 850 एक्चुअल प्राइस बोल रहे थे। बार्गिन करते करते 350 तक पहुंचे, बट कुछ डिफेक्ट था तो हमने उसे छोड़ दिया। मैंने रियलाइज किया कि कुछ शॉप्स में ना बिल्कुल फिक्स प्राइस है, आप बार्गिन नहीं कर सकते, बट काफी शॉप्स में आप अच्छा खासा बार्गिन कर सकते हो यहाँ जनपद पे। हाँ इंडियन वेयर की भी मुझे एक आधी शॉप ही दिखी, जैसे वाले शॉप में मुझे चिकनकारी कुर्ताज दिखे तो विद इनर दे सेट 650 रुपीज, क्वालिटी डिसेंट थी इसकी। फाइनली बॉट दिस बैग इन ब्लैक कलर फॉर 1600। दे हैड सो मेनी चॉइसेस टू चूज फ्रॉम। वी फाइनली फाउंड अ शॉप जो 300 रुपए में देने को तैयार हो रहे हैं यहाँ पे स्वेटर, वरना हर कोई शॉप इज लाइक 500 500। अभी बंदना को ट्राई करवा रहे हैं। दिखा, इट लुक्स गुड, बहुत कूल लग रहा है तुझ पे ये। दिशा के लिए ले रही हूं, हमारी नीस है दिशा। दीदी सेइंग की वो वाला, आई एम सेइंग की दिस, मेरे को तो ये अच्छा लगा, आई वोट फॉर दिस। दीदी नहीं, वो थोड़ा पुराना सा भी लग रहा है, ये वाला थोड़ा फ्रेश लग रहा है। ये वाला दोनों ले जाएं? नहीं नहीं, वो पुराना सा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ले ले। 100 का है। गाइस हमारी शॉपिंग हो गई, हमें जो जो लेना था। आई डू फील है कि मुझे एक और बोहो बैग लेना था, पर इट्स ओके। अभी 8 बज चुकी है, हम लोग सीपी की तरफ जा रहे हैं। जनपद पे हमने कम से कम 2 घंटे बिताए। अभी हम लोग कॉर्नॉट प्लेस पे आ चुके हैं, सीपी। यहाँ पे हम लोग एक बरी एक्सप्रेस से शॉर्मा खा रहे हैं। पता कैसा है, टेक अ बाइट।
है ना, मुझे भी अच्छा लगा। लिपस्टिक ये डाल ली ना एक चिक्की, मुझे चाहिए ये वाले डाल ना एक चिक्की। अच्छा है, पता नहीं दीदी ससमे वाली चिक्की है। चलो दिल, दिल पीनट वाला नहीं चाहिए यार। इनसाइड 24/7 जो कि 24/7 खुला रहता है, इट्स इन द नेम। हम लोग स्नैक्स ले रहे रात के लिए, बहुत कुछ कुछ है यार। चू स्टिक्स लियो की याद आ गई, मुझे बहुत पसंद है चू स्टिक्स। नीड एल्विस, सच प्रिटी नेम, सच प्रिटी आईलैशेस। अभी हम लोग काफी टाइम स्पेंड करने वाले साथ में, सो वी आर गोना हैव लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। पीस ऑफ बाय। वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम द होटल। दिस वाज अ 2-डे स्टे और आज शाम की ट्रेन से मैं और दीदी जा रहे भोपाल और बन्ना जा रही है 3 बजे की ट्रेन से और देहरादून। काफ़ी सारे काम कर लिया 2 दिन में एंड आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप ऐसे और कॉन्टेंट और व्लॉग देखना चाहते हो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन ऑलरेडी। दिस इज़ द लॉबी ऑफ द होटल, मैं बताना भूल गया मैं कहाँ बैठ के बात कर रही हूँ। एंड आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट।